हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे एक और फेमस यम्मी स्ट्रीट फूड मंचूरियन रोल। उसके लिए मैंने लिया है बंदा गोभी, शिमला मिर्च, बीटरूट और गाजर। उसके अलावा ये है हरा प्याज और हरा धनिया। तेल आवश्यकता अनुसार, ये है ऑरेगानो, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अब मंचूरियन बॉल्स में डालने के लिए अराउंड आधी कटोरी मैदा है, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर है, 2 टीस्पून वेज मेयोनीज है, 2 टीस्पून शेजवान सॉस है, 1 टीस्पून टमाटो सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक आवश्यकता अनुसार, चिली फ्लेक्स है, कुछ लहसुन की कलियाँ और अदरक है। और उसका रोल बनाने के लिए, मतलब चपाती के लिए, एक कटोरी मैदा है और 1/4 कप चावल का आटा, ये है थोड़ी सी शक्कर और नमक, ये हम लोग आटा बनाते समय उसमें डालेंगे। और ये कुछ और वेजिटेबल है, बंदा गोभी, शिमला मिर्च और प्याज, ये मंचूरियन बनाते समय हम यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा विनेगर, मैंने एप्पल साइडर विनेगर यूज़ किया है। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेके इसमें सारे वेजिटेबल डालेंगे। मैंने बंदा गोभी, गाजर, बीटरूट, शिमला मिर्च का यूज़ किया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्रिंग ऑनियन, हरा प्याज, हरा वाला मैं डाल रही हूँ, सफ़ेद वाला हम लोग बाद में डालेंगे, और थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, नमक डाल के मिक्स करेंगे। नमक डाल के मिक्स करने से वेजिटेबल थोड़ा सा नमी छोड़ेंगे और उसी मॉइस्चर में हम लोग मंचूरियन बॉल्स का आटा बना लेंगे, हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कुटी काली मिर्च और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये ड्राई मंचूरियन खाने से भी अच्छा लगता है, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर और मैदा, मैदा और कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। चावल का आटा डालने से भी मंचूरियन बॉल्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और हेल्दी भी रहेंगे, बट मैं स्ट्रीट स्टाइल में सिखा रही हूँ इसलिए मैं मैदा और कॉर्नफ्लोर का यूज़ की। अब हमारा आटा बनके रेडी है, इस तरीके से बॉल बनना चाहिए। अब मैं छोटा सा आटा लेकर उसके बॉल्स बना रही हूँ, मैं बॉल्स छोटे ही बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो उसे काटना पड़ेगा, इसलिए मैंने छोटे साइज़ के बना रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा, जिस साइज़ का चाहिए उस साइज़ का बना सकते हैं। अब सारे बॉल बन के रेडी है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख रही हूँ, तब तक के हम लोग आटा बना लेते हैं। अभी मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, उसमें मैंने डाला है एक कटोरी मैदा और 1/4 कप गेहूं का आटा। आप चाहो तो सिर्फ गेहूं का आटा या सिर्फ मैदा भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद 1/2 टीस्पून नमक और शक्कर और अराउंड 1 टीस्पून ऑयल डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि नमक, शक्कर और तेल अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी ये आटा गूंथने के लिए मैं कुनकुना पानी यूज़ कर रही हूँ, हमें ठंडा पानी नहीं यूज़ करना है, कुनकुना पानी यूज़ करना है। कुनकुना पानी लेके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एकदम नरम, जैसे हम लोग रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, वैसे ही आटा बना के रेडी करना है। अब आटा बनके रेडी है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ, तेल लगाकर ढक के मैं इसे रेस्ट होने के लिए रख दे रही हूँ अराउंड 15 मिनट तक, तब तक कि हम लोग मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। अभी मैंने तेल गर्म होने रख दिया है, तेल जैसे गर्म हो गया इसमें मैं मंचूरियन बॉल्स डाल रही हूँ, डालकर मीडियम हाई फ्लेम पे इन्हें अच्छे से पलटते हुए फ्राई करना है। अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो क्रिस्पी और ब्राउन हो जाएंगे बट अंदर से कच्चे रहेंगे, और स्लो फ्लेम पे करेंगे तो तेल बहुत ज़्यादा सोख लेंगे, इसलिए मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए इन्हें फ्राई करना है। अब ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए, मैं इन्हें निकाल रही हूँ किचन टावल के ऊपर। इसी तरीके से हमें बाकी के मंचूरियन बॉल्स को भी फ्राई कर लेना है। अब मंचूरियन बॉल्स बनके रेडी हैं। अब मैंने रखा है एक सॉस पैन, उसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून जितना ऑयल, ऑयल डाल के उसमें मैंने लहसुन और अदरक बारीक कटा हुआ डाल के इसे मैंने थोड़ा सा भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें हरा प्याज का वाइट वाला जो हिस्सा होता है उसको मैं डाल रही हूँ, डाल के अच्छे से भून रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च मैंने बहुत कम यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं चिली फ्लेक्स और काली मिर्च भी डाल रही हूँ इसलिए मैंने हरी मिर्च कम डाला है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बंदा गोभी और शिमला मिर्च, प्याज को मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। डालकर अभी मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का भुनना है, जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किए हुए मंचूरियन बॉल्स, डाल के हाई फ्लेम पे इनको अच्छे से मिक्स करना है। जितने भी इस टाइप की रेसिपीज़ होते हैं उन्हें हाई फ्लेम पे ही बनाना है। अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आएगा और टेस्ट अच्छा लगेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉस, शेजवान सॉस 1 टीस्पून, 1 टीस्पून टमाटो सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर।
सॉसेस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर भी गैस का फ्लेम हाई है। अब जैसे ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून कूटी काली मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक। नमक सॉसेस में भी होता है, इसलिए आप देखकर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा प्याज स्प्रिंग ऑनियन डाल के एक बार मैं इनको अच्छे से टॉस करूँगी हाई फ्लेम पे। बस हमारा मंचूरियन रोल का स्टफिंग बनके रेडी है। अब मैं इनको अच्छे से टॉस करके गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। उसके बाद हम लोग करते हैं आगे का प्रोसीजर। अब 15 मिनट में आटा काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है और नरम और एकदम मुलायम है आटा। अब इसके हम बॉल्स बना लेंगे। इसके बॉल्स हमें ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बनाने, ना ही छोटे, मीडियम साइज़ के बनाएंगे, क्योंकि मंचूरियन रोल या फ्रेंकी का जो चपाती होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है। अब मैंने एक बॉल लिया है, बॉल लेके थोड़ा सा आटा छिड़क कर मैं इसका पतला चपाती बना रही हूँ। जितना पतला आप बना सकते हैं उतना चपाती पतला आप बना लेना। अब ये चपाती बनके रेडी है, इसी तरीके से मैं सारे चपाती बना के रेडी कर लूँगी। अब सारे चपाती बन गए हैं, मैंने ऐसे सारे चपाती बना लिए हैं। अभी मैंने रखा है एक पैन, पैन जैसे गर्म हो गया इसके ऊपर मैंने चपाती डाल दिया और जैसे ऊपर ऐसे बबल्स आ गए हैं उसके बाद मैं इसे पलट रही हूँ। रोटी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, आधा ही पकाना है, आधा हम लोग बाद में पकाएंगे। अब ये थोड़ा सा पक गया है, मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल कर इसी तरीके से हम लोग सारे चपाती इसी तरीके से बना के रेडी कर लेंगे, पर चपाती बनाने के बाद इन्हें ढक के रखना ज़रूरी है, अदरवाइज रोल्स हार्ड हो जाएंगे। अब चपाती बन गए हैं, ये चपाती हम लोग पहले से भी बना के रख सकते हैं या लेफ्ट ओवर चपाती से भी बना सकते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं फाइनल स्टेप। मैंने रखा है एक पैन, सेम उसी तवे को मैंने रखा है, उसके ऊपर ऑयल डाला है, आप चाहो तो बटर भी यूज़ कर सकते हो। डालकर अब चपाती को अच्छे से पलटते हुए ऊपर नीचे सेक लेना है। पहले हमने आधा पकाया था, अभी हम इसको पूरा पका लेंगे। अब इसको अच्छे से मैंने ऑयल डाल के सेक लिया है, अब ये बनके रेडी है। इसको मैं निकाल रही हूँ, निकाल के सेम इसी तरीके से मैं बाकी के चपाती को भी सेक लूँगी। अब ये बनके रेडी है। अब मंचूरियन बॉल्स भी रेडी है, चपाती भी रेडी है, इसे हम करते हैं असेंबल। सबसे पहले मैंने लिया एक चपाती, चपाती लेकर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ शेजवान सॉस। अगर आपके पास फ्रेंकी मसाला है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर टमाटो सॉस जो अवेलेबल है वो डालकर अच्छे से स्प्रेड करना है। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग डाल रहे हैं मंचूरियन, जिसे हमने बना के रेडी कर लिया है। मंचूरियंस यहाँ पे आपको जितना चाहिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड कर लेना। डालकर मंचूरियन डालने के बाद इसके ऊपर हम लोग डालेंगे वेज मेयोनीज। वेज मेयोनीज डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी बारीक कटा प्याज। बारीक कटा प्याज डालकर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ओरेगानो, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरा प्याज और बारीक कटा हरा धनिया डालकर अब मैं इसे कर रही हूँ रोल। बस हमारा बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी मंचूरियन रोल या मंचूरियन फ्रेंकी बनके रेडी है। अब आप देख सकते ये कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली ऐसे ही पेपर में, बटर पेपर में रैप करके सर्व कर सकते हो या फिर कट करके भी सर्व कर सकते हो, पर असेंबल करने की तुरंत बाद इसे सर्व करना, अदरवाइज ये नरम पड़ जाएंगे। अब आप भी ये टेस्टी यम्मी मंचूरियन रोल ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।